asalaamu As alaikum. hey, what's up? welcome back to another video. Uh, this is me, asheer. today we are talking about other ways to say i am fine. i hope you guys are fine too. let's talk about them. first of all, we have uh, these are kind of positive response. so let's start. jobi punya niyo thoda positive. we medium type response i am good. yep, yeah, i am all right. yep, yeah, i am well. आम दुन व हाई दिन तो आप ये कह सकते हैं आम दुन व सो गिड मतलब कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है नोट बैड मीन्स नोट या फिर इसके दरमियान टू लगा लेंगे तो ये ज्यादा इंटेंसिटी को शो करेगा नॉट टू बैड यानि कि ज़्यादा बुरा नहीं टू के मतलब से हो जाएगा यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं मीन्स गुड जस्ट सेम ओल्ड सेम ओल्ड हाँ यार वो ही पुराना पुराना यानी किट यानी कि कुछ नया नहीं है लाइफ में ली थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप रिस्पॉन्स है यह भी सेम इसकी कॉपी है सेम एज यूजल या सेम वेल वही जो हमेशा से है यानी कि सेम डे सेम रूटीन नथिंग न्यू बट अल्हम्दुलिल्लाह गुड नथिंग मच और नॉट मच एट ऑल वन ये रिस्पांस आप उस वक्त देंगे जब कोई आपसे पूछते हैं हई वस आप तो आप उसके रिस्पॉन्स में कह सकते हैं नथिंग मच ना मच अटोल यानी कि वही जो पहले चल रहा था उसमें हूँ या फिर उसमें कुछ मुझे नया करने को नहीं मिल रहा सो नथिंग न्यू टू टेल यू एक्साइटिंग आई गेस गेस्ट दीन्स आई एम फाइन ये थोड़ा सा सरकास्टिक टाइप रिस्पॉन्स है लाइक like, बहुत यानी कि कह लें कि बुरा नहीं है बट कोई आपसे कहता है हैव यू डन आप कह सकते हैं आई एम लाइफ या फिर सर्वाइविन आई गैस मतलब के बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा जितना अच्छा होना चाहिए लाइक नॉट बैड भी यानी कि इतना बुरा भी नहीं है राइट हेवे यू तो उसका लास्ट रिस्पॉन्स है इधर वो या फिर गुड एन ऑफ टू टू यानी कि इतना अच्छा हो कि आपसे बात कर सकता हूँ या आपसे चैट कर सकता हूँ ठीक हो गया नो वी टोक अबाउट दी सेंटेंसेज वन यू फील एक्सट्रीमली फाइन और एक्सट्रीमली गुड जब आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो ना तब आप ये जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं लस्ता गुड थैंक्स जस्ट रिमेंबर यू से शुड बी स्माइल ऑन फेस ओके आई फील ग्रेट आई फील ग्रेट अमेजिंग फैंथेस्टिक मार्वलस ये सब एक ही चीज़ों के नाम है इसका ये उर्दू में मतलब यू था मैं बहुत ही आला यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सट्रीमली गुड फील कर रहा हूँ ठीक है I feel great. I feel amazing. I feel fantastic. I feel wonderful. I feel marvelous. Thank you. The next we have no complaints. Everything is on point. can complain. As good as can be. It means. जितना कोई एक अच्छा बंदा फील कर सकता है ना इन रिस्पॉन्स टू आई एम हाउ आर यू उतना यानी कि मैं हूँ थैंक्स टू लॉड द नेक्स्ट वी हैव बेटर देन गुड और बेटर देन आई डिज़र्व बेटर देन गुड्स का ये मतलब होता है कि यानी कि मैं अच्छे से बेहतर हूँ एक तो बंदा एक अच्छा होता है ना जैसे कि यहाँ पे था आई एम गुड ये थोड़ा इससे अच्छा रिस्पॉन्स है यानी कि हैप्पी आई एम बेटर देन गुड बेटर देन आई डिज़र्व मतलब कि जितना मुझे अच्छा होना चाहिए था ना Better now that I am talking to you. This is quite cheeky one. Like feel feel Why? Because I'm talking to you, and same is the case with me. I'm feeling better now because I'm talking to you guys. I'm delivering you this lesson. Thank you very much. Right, then next we have some phrases and idioms. सो जस्ट इन खेस अठारह शुट छः बजू आई हैव ने बिन बैठर आई हैव नीवर बिन बैठर हम इसका मतलब ये है कि यानी कि मैं यानी कि जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ ना अपनी ज़िंदगी के बारे में जो अच्छापन वो मुझे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ यानी कि मैं आज से पहले इतना अच्छा नहीं रहा सो आई हैव नीवर बिन बैठर और इसको शॉर्ट करके लोग कुछ ऐसे भी बोलते हैं नैवर बिन बैठर आई या फिर थिंग्स थिंग्स का मतलब होता है हालात थिंग्स कुड नाट भी बैटर या फिर आई कुड नाट भी बैटर यानी कि जितना अच्छा मैं अभी हूँ इससे ज़्यादा मैं अच्छा लाइफ में नहीं हो सकता तो यानी कि राइट नाउ आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी वेरी वेरी एक्सट्रीमली फाइन और इसी को शॉर्ट करके कुछ लोग ऐसे बोलते हैं करेंट में बात जो नेटिव होते हैं वो ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट वगैरह को मोस्टली छोड़ देते हैं सो जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड रिमेंबर इट

अगर आप बहुत ही ज़्यादा यानी कि वन यू फील वेरी गुड एंड हाई अबाउट द लाइफ जिंदगी के मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आप ये इडियम यूज करते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब मैं वेरी गुड आई एम ऑन क्लाउड नाइन यू मस्ट बी वंडरिंग आई आई एम ऑन क्लाउड नाइन वट कांडियम यूज दिज वे दिस इज हाउ इट हैज़ बीन स्पोकन बाय द नेटिव स्पीकर नो बडीन व्हाट द मीनिंग ऑफ नाइन हेयर इट कुड भी टेन इट कुड भी एलेवन बट दिस इज़ हाउ इट इज़ बट एनी वे इफ़ आई कुड ट्रांसलेट दिस इडियम इंटू पंजाबी और उर्दू द मोस्ट नियर वन विल भी लाइक जब आप सबको पूछते ना हाँ भाई की हाल तेरा यहाँ भाई कैसे हो तो आप कहते हैं ना यार मैं तो आज कल हवा चाह यानि कि आजकल मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूँ यानी कि आज कल मैं बादलों में हूँ सो आई थिंक दिस इज दिस दिस इज़ समाइंड ऑफ दैट रिलेटेड टू दिस इडियम So this is what I say I don't know exactly but this is how I feel about it the next we have how uh, I am fine co-op replace sakte hain. oh I'm over the moon and it means I am extremely and very happy I feel so so great so it's matlab hai. last then we have peachy peachy is kind of phrase it's kind of quite funny phrase that English people use when someone asks you how are you and your and you go like, oh, I'm peachy, <laughs> peachy. So a funny phrase that to say that I'm fine. Yeah. Well, this was uh, today's uh, lesson that I shared with you. Other ways to say I'm fine. I hope you have understood. Please make sure you use one of those when in your daily speaking when you tell somebody that how are you feeling. Uh, I'll see you in another video. Till then, please remember me in your prayers and. Uh, the way you guys are supporting me, it really means a lot to me. I love you all people. Thank you. Allah